Hi students! So welcome back to our super quick revision series. Uh, these lectures will be there on our Telegram channel. Apart from that, the notes also for this will be there on our Telegram channel. Uh, we are doing these lectures, so therefore you all can revise all your concepts in a faster way. Okay? So chapter number four, in my is about to be starting. Chapter number one, two, and three we have already done the recap. Okay? I hope that you have seen those lectures. So let's continue with chapter number four now. तो चैप्टर नंबर फोर के अंदर शुरू में बहुत सारे कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन थे बहुत सारे एक मटेरियल्स के थे फिर एक लेबर के थे तो आज मेनली अपना ये वाला जो लेक्चर है इज डेडिकेटेड टू कंसेप्ट बिल्डिंग ओनली नथिंग एल्स तो शुरू में Uh, जो आपके पहले थर्टीन क्वेश्चन थे वो कुछ ऐसे थे वहां पे मटेरियल का एडजस्टमेंट्स आया था एंड वी हैड टू बी फाइंडिंग आउट रेलिवेंट कॉस्ट और रेलिवेंट रेवेन्यू कोई ऑफर आया उसके लिए मटेरियल चाहिए तो वो ऑफर इवेलुएट करें तो मटेरियल के सामने कॉस्ट भी रखना पड़ेगा तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या केसेस किए थे हम लोगों को तो बहुत टाइम वो लगा था बट इन सुपर क्विक रिविजन आई थिंक विल बी एबल टू डू द सुपर फास्ट तो सबसे पहले अगर मटेरियल स्टॉक के अंदर नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा सो दट फॉर योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी नथिंग बट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब मार्केट से अभी खरीदोगे तो कितने का पड़ेगा उसके बाद मटेरियल आपको उस ऑफर के लिए ऐसा चाहिए जो आपकी कंपनी के अंदर रेगुलरली यूज होता है तो अगर रेगुलरली यूज होता है अगर आप लोगों ने यहां पर यूज किया तो आपको मार्केट से फिर खरीदना पड़ेगा फॉर योर रेगुलर बिजनेस सो देट फॉर योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी इक्वल टू करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अभी मार्केट से खरीदोगे तो कितना पड़ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद थर्ड मटीरियल हैज़ नो अदर यूज बट हैज नेट स्क्रैप वैल्यू कुछ एक मटेरियल आप लोगों ने पहले खरीद के रखा हुआ है ओके okay. अभी उस मटेरियल का और कोई यूज नहीं है ऑफर नहीं आता तो आप लोग उसको बेचने वाले थे ऐसे के इसके अंदर योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी नथिंग बट लोअर ऑफ योर नेट रीसेल वैल्यू नेट रीसेल वैल्यू मतलब योर रीसेल वैल्यू लेस द स्क्रैप कॉस्ट इफ एनी ओके और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर ओके सो दे योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी द लोअर ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और नेट रीसेल वैल्यू उसके बाद फोर्थ मटेरियल हैज गॉट नो अदर यूज बट हैज नेट स्क्रैप कॉस्ट तो अगर ऑफर नहीं आता मटेरियल बेचने वाले थे मटेरियल बेचने का खर्चा होने वाला था अभी ऑफर आ गया उसके लिए यूज कर लो तो आपका स्क्रैप का पैसा स्क्रैप कॉस्ट का पैसा बच जाएगा सो देयरफॉर यहां पे रेलेवेंट रेवेन्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट नेट स्क्रैप कॉस्ट सेव फिर उसके बाद हम लोगों ने तीन केसेस और किए थे तीन केसेस के अंदर जहां पर कुछ ऐसा था मटेरियल कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट इन अनदर वन टाइम जॉब ओके तो मटेरियल ऑफर के लिए भी यूज हो सकता है आप लोग उसको बेच भी सकते हो ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस कोई और वन टाइम जॉब के लिए भी यूज हो सकता है अगर ऐसा है तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन करके उसका एक लॉजिक तैयार किया था वो लॉजिक को हम लोगों ने एक चार्ट के ना कन्वर्ट कर लिया था लोअर ऑफ विच टू फिगर्स उससे पहले हायर ऑफ विच टू फिगर्स तो सबसे पहले अगर ऑफर नहीं आता या बेच देते या किधर और यूज करके पैसा बचा लेते बोथ ऑफ देम वी विल सेलेक्ट दिन इज हायर ठीक है फिर उसके बाद ये जो अभी तक तुम्हारा रेवेन्यू था ये रेवेन्यू तब तक था जब तक हम लोग सोच रहे थे ऑफर नहीं आएगा तो लेकिन ऑफर आ गया सो दिस रेवेन्यू नाउ विल बिकम कॉस्ट बिकॉज यू रिक्वायर मटेरियल्स फॉर इट ओके या फिर आप लोग मार्केट से जाके खरीद लो वेर एवर योर कॉस्ट इज लेस विल बी गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन ठीक है एंड लास्टली लास्टली मटीरियल आपके पास है लेकिन और मटेरियल मार्केट से नहीं मिल सकता क्योंकि मटेरियल का शॉर्ट सप्लाई चल रहा है ऐसे केसेस के अंदर योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट हायर ऑफ बटीरियल बेचने का वैल्यू ओके okay. या फिर किधर और यूज करते वहां से कितना पैसा कमाते सो दे फोर दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओके सो दे फोर इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर <coughs> ायर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम दी अदर प्रोडक्ट मतलब ऑपरच्युनिटी कॉस्ट और इन दिस केस द रीसेल वैल्यू ठीक है तो इन दोनों केटीरियल का जो ओरिजिनल परचेज कॉस्ट है वो आप लोग इग्नोर ही करोगे बिकॉज दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर इट इज नाथिंग बट समॉस्ट ठीक है फिर उसके बाद लेबर के सारे के सारे क्वेश्चन थे दीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन ऑल ऑफ द कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन कॉल इज वन स्टार क्वेश्चन ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन एग्जाम के वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अपर कॉन्सेप्ट आर पेड ऑन पीस रेट सिस्टम जितना भी वर्क लोग को पे कर रहे हो दैट बी नथिंग बट रेलिवेंट कॉस्ट इफ वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस सिस्टम फिर सपोज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है ना आइडियल टाइम का नाट ना शॉर्टेज वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा ठीक है तो देन

टाइम के लिए आप लोग पे करने वाले थे ओके गारंटी टाइम के लिए तो हम लोग वैसे भी पे करने वाले थे ओके अभी जितना भी एक्स्ट्रा पे करोगे दैट विल बिकम योर कॉस्ट ठीक है अगर वर्कर्स की कभी वो कमी है रेलिवेंट कॉस्ट विल बी इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कोई वर्कर लोगों की कमी और अगर आप लोग उसको स्पेशल जॉब के आ, स्पेशल ऑफर के ना वो डालने वाले हो तो फिर कुछ और प्रोडक्ट नहीं बनेगा वहां से जो कमाने वाले थे दैट अमाउंट वुड बी लॉस नो सो दे फॉर योर रेलवेंट कॉस्ट विल बी नथिंग बट

ये वाला जो काम है तुम्हारा हो गया फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अगेन वॉज अ कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन एंड दैट वॉज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखाऊं तो वो वाला क्वेश्चन अपना कुछ ऐसे था कि अपने पास कोई एक कार वगैरह थी ओके okay, तीन साल तक यूज़ की ये नहीं है उसकी लाइफ वगैरह वो खत्म हो गई बट सडनली एक दिन वो चोरी हो गई ओके okay, तो और क्वेश्चन ये था वट इज़ द वैल्यू दैट यू हैव लॉस्ट ओके देन हाउ डू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ फिक्सड एसेट फर्स्ट ऑफ देख ऐसा ही सिमिलरली यूज कार मार्केट से खरीदता तो कितने का पड़ता है वैल्यू दैट यू हैव लॉस्ट ओके दैर इज नथिंग बट करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ठीक है या फिर अगर आप ऐसा ही कार मार्केट के ना बेच देते आपको कितना मिलता है यूजली यूजली वन ऑफ दीज पर्टिकुलर टू थिंग्स इज एक्सेप्टेड एज सच ठीक है छोगे. ये हो गया तुम्हारा ये वाला सारा का सारा पार्ट ठीक है योर दिस पर्टिकुलर पार्ट वॉज ओवर फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वन सपोज टू बी डन फॉर होमवर्क और वो इजी क्वेश्चन से इन केस यू वॉन्ट टू बी डूइंग तो फिर मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर इफ यू विल डू नो द्वेश्चन विल अपियर वेरी 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 सिंपल अपना एक लास्ट क्वेश्चन था एंड दैट वॉज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अभी ये वाला जो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन था ना ये इजी क्वेश्चन था एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स दैट यू विल हैव टू ट्राई टू रिमेंबर ओके एंड दैट इज अगर कुछ ऑलरेडी खर्चा हो चुका है कॉस्ट भूल जाओ कुछ इनकम ऑलरेडी आ चुका है खुशी हुई थी लेकिन वो भूल जाओ क्योंकि वो पुरानी बात होगी सोचो और कितना खर्चा होगा और कितना कुछ मिलेगा सो दे ऑलवेज थिंक ऑफ रेलिवेंट रेवेन्यू एंड रेलिवेंट कॉस्ट ओके तो अब कुछ ऐसा इस क्वेश्चन के ना हम लोग एक मशीन बना रहे थे एक कस्टमर को एक कस्टमर के लिए पचास हजार का खर्चा भी कर दिया कस्टमर से अभी तक पंद्रह हजार वो मिल चुका था लेकिन ये पुरानी बात होगी क्योंकि कस्टमर हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन और कोई पैसा इस बंदे से अपने को नहीं मिलने वाला है चाहे जो भी हो जाए ठीक है तो अभी एक और बंदा तो वो मिला है एक और कस्टमर तो वो मिला है वो बोलता है मैं तेज से मशीन थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ के ना खरीद लूंगा अगर तुम इनको मशीन कंप्लीट करके दे देगा तो ठीक है तो अपने को सोचने का था कि हम लोग एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ठीक है लेकिन क्या है इतना एक्स्ट्रा अपने को मिल जाएगा लेकिन अपने और खर्चे भी तो होंगे मटेरियल्स वाला एडजस्टमेंट बहुत सिंपल था हम लोग अपना जो मटेरियल्स है जो अभी यूज करने वाला है वो हम लोग बेचने वाला था दो हजार वो मिलने वाला था अभी मत यूज करो सॉरी अभी मत बेचो यूज करो सो टू थाउजेंड रुपीज विल बी लॉस्ट फिर उसके बाद पार्ट बी जो है दैट वाज लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट जो अपना है इन दिस पर्टिकुलर केस दैट वाज वेरी सिंपल ओके दैट वाज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि वर्कर्स आर देयर इन शॉर्ट सप्लाई हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए फिर उसके बाद कंसल्टेंसी फीस कंसल्टेंट मेरे पास था उसको आगे और आ, काम करने के लिए फोर थाउजेंड रुपीज अपने को वो देना पड़ता अगर हम लोग उसको निकाल देते मतलब अगर ऑफर नहीं एक्सेप्ट करते तो अपने को पंद्रह सौ रुपए का कैंसिलेशन का कॉस्ट का जो खर्चा है वो करना पड़ता ओके okay? तो अगर हम लोग जॉब एक्सेप्ट करेंगे अपने चार हजार रुपए और पे करना पड़ेगा लेकिन अपना पंद्रह सौ रुपए जो यहां पे कैंसिलेशन का खर्चा है वो बच जाएगा और जनरल जनरल ओवरहेड जो है तुम्हारा मेरा बहुत झगड़ा हुआ था कि डज इट रिप्रेजेंट ये जो एडिड वर्ड है रिप्रेजेंट द अमाउंट इनकर्ड और एब्सॉर्ब ओके तो मैं तुम लोगों को एक आईसी का इंटरप्रिटेशन भी लिखवाया था आईसीआई यूजली इंटरप्रेट ओके द वर्ड एडेड इन रेफरेंस टू प्रोडक्ट टू मीन एब्सॉर्ब अमाउंट तो हम लोगों ने निल लिख दिया था ऑल्टरनेटली तुम तो लोग उसको इनकट अमाउंट भी बोल सकते हो तो so, फिर एट थाउजेंड रुपीज आ जाएगा ठीक है ये वाला जो सुपर क्विक रिविजन था आई थिंक वॉज वन ऑफ द स्मॉलेट दैट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके विद रिनिंग पार्ट ऑफ दिस एंटा चैप्टर टेल लेंट टेक केयर स्टे हेल्थी बाई टेक केयर गाइस